हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। देखिए, बहुत से आप कैफे देखे होंगे, बहुत से कैफे में आप लोग गए भी होंगे, तो आप लोग का आधार कार्ड का सामना करना पड़ेगा। उससे वो दिक्कत क्या होता है कि आप लोग का आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होता। बहुत सा स्टूडेंट का या तो किसी फ्रेंड का या किसी पेरेंट्स का मतलब आधार कार्ड या मोबाइल नंबर से अटैच है, तो उनका OTP जाकर उससे आधार कार्ड डाउनलोड आसानी से हो जाता है। लेकिन फिंगरप्रिंट से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको मारफू का आवश्यकता पड़ता है। जो मारफू होता है, फिंगरप्रिंट लगाने वाला एक अलग सा रहता है डिवाइस, उसको हम लोग इंस्टॉल करके लगाते हैं। तो बहुत सा फिंगर जो होते हैं कैफे वाला, उनको पता नहीं है कि फिंगरप्रिंट अटैच करने के बाद फिंगरप्रिंट से कैसे हम लोग उसको आधार कार्ड ज्वाइन कर सकते हैं या तो उसे हम निकाल सकते हैं। तो अभी सर, जिनको जिस कैफे वाला को पता नहीं होंगे, उस इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हमको आपको ऐसा ही ID पासवर्ड बना दें और आगे आप बना सकें और ख़ुद को ही आधार कार्ड निकाल सकें किसी व्यक्ति को। तो यहाँ पे अभी हमको टैप क्या करना है, आप जानते हैं। यहाँ पे आपको टैप करना, देखिए आधार यहाँ पे लिखल आपको है, यहाँ पढ़िएगा आधार बेस्ट पोर्टल .xyz। और यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आधार बेस्ट पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको एक न्यू आईडी के रूप बनाने के लिए खोलेगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको लॉगिन ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते के साथ आपको यहाँ एक ऐसा लॉगिन पासवर्ड आईडी, देखिए हम बना चुके हैं। तो जब हम बना चुके हैं, तो मेरा जब यहाँ से लॉगिन किया गया है, तो देखिए हमको हमारा ऐसा खुला। तो नीचे आपको ऐसा खुलेगा, तो यहाँ राइट साइड में आपको देखिए आपका फ़ोटो भी, हम घर का कैमरा को घुमा दे रहे हैं, आपको देखिए फ़ोटो मेरा जो नाम लिखा हुआ है यहाँ पे प्रमोशन के नाम से यहाँ पे लिखा गया है ना। अब यहाँ पे लिखा है आधार वॉलेट बैलेंस, मेरा भी नहीं दिया है, आपका देगा 100% श्योर रहिए कि आपको वहाँ पे जो वॉलेट का बैलेंस रहेगा वो आपको यहाँ पे देगा ही देगा। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपका न्यू बनाना है ना, तो यहाँ पे लॉगिन जब आपका बना रहेगा, तो यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये लॉगिन हो जाएगा। अदरवाइज आपको न्यू बनाना है तो ऐसा खुला, यहाँ के बाद आपको यहाँ ज्वाइन नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको नेम पूछेगा, फर्स्ट नेम, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर आप ईमेल आईडी जो भी चलाते हैं, ईमेल आईडी आपको डालना होगा हर हाल में। डालने के बाद अब फिर यहाँ पे जेंडर मेल है कि फीमेल है वो भी आपको आपसे पूछा जाएगा। पूछने के बाद आपको नीचे आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट, मेरा स्टेट था बिहार, हम बिहार सेलेक्ट कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए आपसे पूछेगा यूजर टैप, तो आप रिटेलर है ना, बनाने वाला है रिटेलर में, आप देखिएगा अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है, आप रिटेलर हैं, बनाएंगे ही सब दिन बनाना आपको है, तो रिटेलर में डालिएगा। रिटेलर डालने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पे, तो आपको इस तरह कैसे खुलेगा, तो इसमें आप कहिएगा क्या डालेंगे सर मोबाइल नंबर में, तो मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। कहा कि आप डाले तो वहाँ क्या मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर डाले थे। अब आपको पासवर्ड में देखिए हम बताते हैं क्या डालना होगा। बहुत से लोग के यूज़र आईडी पासवर्ड यही होता है, जो मोबाइल नंबर आप डाले हैं तो मोबाइल नंबर ही आपका यूजर भी होगा और मोबाइल नंबर ही आपको पासवर्ड होगा। आप यहाँ से कन्फर्म हो जाइए, आपको इसके लिए वो कुछ आपको दिक्कत के सामना नहीं करने पड़ेगा, चाहे आप जैसे भी आप देख सकते हैं। बहुत से लोग इसके बारे में नहीं बताते हैं, तो हम बता दे रहे हैं कि आप यहाँ पे बता दे रहे हैं इसलिए कि आप खोल सकते हैं, कोई इसके लिए हमको लिए हमारे इसको लिए दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आप इसको खोल के क्या ही करिएगा, हम यहाँ से आपको लॉग आउट कर देंगे, है ना, ये आपसे नहीं खुलने वाला। हम यही कहेंगे किसी भी स्टूडेंट या दोस्त हो या पेरेंट्स हो, खुद का आप नया ज्वाइन कर लीजिएगा और ख़ुद को आप बनाइएगा और ख़ुद को आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ गए ना। ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा, किसी का आईडी पासवर्ड लेने के लिए लेने के बाद आप किसी को लॉगिन करने के बाद उनका छेड़छाड़ करते हैं कोई चीज़, तो आपके लिए ही हानिकारक होगा, दूसरों के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो हम यहाँ बता दिए कि आपका मोबाइल नंबर ही होता है यूजर और पासवर्ड भी आपका होता है मोबाइल नंबर। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो हल्का स्टेप आपका करने के बाद देखिए यहाँ पर लिख देता है आवश्यक सूचना, यहाँ पे लिखता है आधार एडवांस, आधार फिंगरप्रिंट 1 इज रेडी, है ना। आप इसको ओके पर दबा के आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको ये आधार कार्ड यहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगा, डाउनलोड करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ फिंगर आधार डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ आपसे आधार नंबर यहाँ पे लिख रहा है, इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर, यहाँ पे 12 नंबर का आधार नंबर डाउनलोड किए, कैप्चर फिंगर पर क्लिक कीजिएगा, तो आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा।
और जब फिंगरप्रिंट मांगेगा तो वहाँ पे फिंगरप्रिंट जैसे ही आप देते हैं आपका पूरा ऑल डिटेल्स फ़ोटो के साथ पूरा आधार कार्ड यहाँ पे आ जाता है। आपको आगे कोई प्रोसेस नहीं करना है। और यहाँ पे कुछ दिया है ध्यान में रखें, अगर डाटा एक बार में नहीं आता है तो दोबारा कैप्चर करें, डाटा आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक बार में कैप्चर आपको नहीं आता, क्लिक करने के बाद दोबारा आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में दिया गया है, इफ़ द डाटा डज नॉट कम टू वंस देम देन डाटा विल बी कैप्चर अगेन। आप यहाँ पे देखिए आधार कार्ड तो आप डाउनलोड करने जा रहे हैं, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड भी यहीं से आपको डाउनलोड होगा। सबसे बड़ी बात यह है आपका कि आपका यहाँ से आपका वोटर आईडी कार्ड होगा, ये वोटर आईडी कार्ड ओरिजिनल भी आप फोटो आपको लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी कर सकते हैं, फाइन आधार कार्ड भी आप यहाँ से खोज सकते हैं। लिस्ट जो होता है ना, लिस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, आप यहाँ से खोज सकते हैं आसानी से। तो आप समझ गए होंगे कि आधार कार्ड का आईडी पासवर्ड कैसे बनता है और हम फिंगरप्रिंट से कैसे डाउनलोड कर लेंगे आसानी से। तो इस वीडियो में बनने के लिए आप लोग का धन्यवाद, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम भी आपको इस तरह के और ऐसे ही डाउनलोड करके बताएंगे अगला वीडियो में कि कैसे आधार कार्ड डाउनलोड होता है। थैंक यू।